देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज चैनल के पीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे। सीएम साहब, डीजीपी साहब, सीपी साहब, डीसी साहब, वैसे सब तो पहला सारा असं महमी परिवार आप सब का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जो आप सारे शहर वास्ते सारे पंजाब वास्ते जो दिन रात एक करके सारा तुसी एडमिनिस्ट्रेशन इस बहुत ही भयंकर बीमारी लिए लड़ रहे हैं, दिन रात एक करके तुसी सारे शहर वासियों की सारे देश वासियों की सेवा कर रहे हो। सरकार जो सीएम साहब, डीएवी साहब, जो कल जो वाकया साढ़े परिवार के बच्चे अमोल ना होया, अमोल के राही जो भी घटना वापरी है, असी सारा परिवार उसकी निखेधी करते हैं। असी आप बहुत शर्मिंदा हाँ, असी सॉरी फील करते हैं कि बच्चे को जो होया ये नहीं सी होना चाहिए, बच्चे को गड्डी रोक देनी चाहिए थी ता जो ये सारा कार्रवाई अगे ना बढ़ती। पर इस दे नाल ही मैं आप अगे फरियाद करता हाँ कि बच्चे का कोई भी कोई एडा वड्डा कसूर नहीं सी, कोई एडा वड्डा कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं, जिस तरह उन्होंने एक बहुत ही वड्डा क्रिमिनल बना के पेश किया गया, जिस तरह साढ़े सारे परिवार की जो कि इमेज बहुत ही ज़्यादा टार्निश हुई है, साड़ी खराब हुई है सोशल मीडिया में, साड़ा बहुत ही साड़ी परिवार की बदनामी की गई है। ये जो भी मसला सी इनू जे अगर मैच्योरिटी ना हैंडल किया जाता तो कोई एड्डी वड्डी गल नहीं सी होनी। मैं आप सब अगे फरियाद करता हाँ कि साढ़े परिवार ना साढ़े बच्चे ना जस्टिस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीएम साहब, डीजीपी साहब, सीपी साहब, डीसी साहब, वैसे सब तो पहला सारा असी महमी परिवार आप सब का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जो आप सारे शहर वास्ते सारे पंजाब वास्ते जो दिन रात एक करके सारा तुसी एडमिनिस्ट्रेशन इस बहुत ही भयंकर बीमारी लिए लड़ रहे हैं, दिन रात एक करके तुसी सारे शहर वासियों की सारे देश वासियों की सेवा कर रहे हो। सरकार जो सीएम साहब, डीएवी साहब, जो कल जो वाकया साढ़े परिवार के बच्चे अमोल ना होया, अमोल के राही जो भी घटना वापरी है, असी सारा परिवार उसकी निखेधी करते हैं। असी आप बहुत शर्मिंदा हाँ, असी सॉरी फील करते हैं कि बच्चे को जो होया ये नहीं सी होना चाहिए, बच्चे को गड्डी रोक देनी चाहिए थी ता जो ये सारा कार्रवाई अगे ना बढ़ती। पर इस दे नाल ही मैं आप अगे फरियाद करता हाँ कि बच्चे का कोई भी कोई एडा वड्डा कसूर नहीं सी, कोई एडा वड्डा कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं, जिस तरह उन्होंने एक बहुत ही वड्डा क्रिमिनल बना के पेश किया गया, जिस तरह साढ़े सारे परिवार की जो कि इमेज बहुत ही ज़्यादा टार्निश हुई है, साड़ी खराब हुई है सोशल मीडिया में, साड़ा बहुत ही साड़ी परिवार की बदनामी की गई है। ये जो भी मसला सी इनू जे अगर मैच्योरिटी ना हैंडल किया जाता तो कोई एड्डी वड्डी गल नहीं सी होनी। मैं आप सब अगे फरियाद करता हाँ कि साढ़े परिवार ना साढ़े बच्चे ना जस्टिस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब, डीजीपी साहब, सीपी साहब, डीसी साहब, वैसे सब तो पहला सारा असी महमी परिवार आप सब का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जो आप सारे शहर वास्ते सारे पंजाब वास्ते जो दिन रात एक करके सारा तुसी एडमिनिस्ट्रेशन इस बहुत ही भयंकर बीमारी लिए लड़ रहे हैं, दिन रात एक करके तुसी सारे शहर वासियों की सारे देश वासियों की सेवा कर रहे हो। सरकार जो सीएम साहब, डीएवी साहब, जो कल जो वाकया साढ़े परिवार के बच्चे अमोल ना होया, अमोल के राही जो भी घटना वापरी है, असी सारा परिवार उसकी निखेधी करते हैं। असी आप बहुत शर्मिंदा हाँ, असी सॉरी फील करते हैं कि बच्चे को जो होया ये नहीं सी होना चाहिए, बच्चे को गड्डी रोक देनी चाहिए थी ता जो ये सारा कार्रवाई अगे ना बढ़ती। पर इस दे नाल ही मैं आप अगे फरियाद करता हाँ कि बच्चे का कोई भी कोई एडा वड्डा कसूर नहीं सी, कोई एडा वड्डा कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं, जिस तरह उन्होंने एक बहुत ही वड्डा क्रिमिनल बना के पेश किया गया, जिस तरह साढ़े सारे परिवार की जो कि इमेज बहुत ही ज़्यादा टार्निश हुई है, साड़ी खराब हुई है सोशल मीडिया में, साड़ा बहुत ही साड़ी परिवार की बदनामी की गई है। ये जो भी मसला सी इनू जे अगर मैच्योरिटी ना हैंडल किया जाता तो कोई एड्डी वड्डी गल नहीं सी होनी। मैं आप सब अगे फरियाद करता हाँ कि साढ़े परिवार ना साढ़े बच्चे ना जस्टिस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीएम साहब, डीजीपी साहब, सीपी साहब, डीसी साहब,
असं सब तो पहला सारा असं महमी परिवार आप सब का बहुत ही धन्यवाद करते हैं जो आप सारे शहर वास्ते सारे पंजाब वास्ते जो दिन रात एक करके सारा तुसी एडमिनिस्ट्रेशन इस बहुत ही भयंकर बीमारी लिए लड़ रहे हैं दिन रात एक करके तुसी सारे शहर वासियों की सारे देश वासियों की सेवा कर रहे हो। सरकार जो सीएम साहब डीएवी साहब जो कल जो वाकया साढ़े परिवार के बच्चे अमोल ना होया अमोल के राही जो भी घटना वापरी है असी सारा परिवार उसकी निखेधी करते हैं असी आप बहुत शर्मिंदा असी सॉरी फील करते हैं भी बच्चे को जो होया यह नहीं सी होना चाहिए बच्चे को गड्डी रोक देनी चाहिए थी ता जो ये सारा कार्रवाई अगे ना बढ़ती। पर इस दे नाल ही मैं आप अगे फरियाद करता हाँ कि बच्चे का कोई भी कोई एडा वड्डा कसूर नहीं सी कोई एडा वड्डा कोई रिकॉर्ड नहीं कोई क्रिमिनल नहीं जिस तरह उन्होंने एक बहुत ही वड्डा क्रिमिनल बना के पेश किया गया जिस तरह साढ़े सारे परिवार की जो कि इमेज बहुत ही ज़्यादा टार्निश हुई है साड़ी खराब हुई है सोशल मीडिया में साड़ा बहुत ही साड़ी परिवार की बदनामी की गई है ये जो भी मसला सी इनू जे अगर मैच्योरिटी ना हैंडल किया जाता तो कोई एड्डी वड्डी गल नहीं सी होनी। मैं आप सब अगे फरियाद करता हाँ कि साढ़े परिवार ना साढ़े बच्चे ना जस्टिस किया जाए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीएम साहब डीजीपी साहब सीपी साहब डीसी साहब असी सब तो पहला सारा असी महमी परिवार आप सब का बहुत ही धन्यवाद करते हैं जो आप सारे शहर वास्ते सारे पंजाब वास्ते जो दिन रात एक करके सारा तुसी एडमिनिस्ट्रेशन इस बहुत ही भयंकर बीमारी लिए लड़ रहे हैं दिन रात एक करके तुसी सारे शहर वासियों की सारे देश वासियों की सेवा कर रहे हो। सरकार जो सीएम साहब डीएवी साहब जो कल जो वाकया साढ़े परिवार के बच्चे अमोल ना होया अमोल के राही जो भी घटना वापरी है असी सारा परिवार उसकी निखेधी करते हैं असी आप बहुत शर्मिंदा असी सॉरी फील करते हैं भी बच्चे को जो होया यह नहीं सी होना चाहिए बच्चे को गड्डी रोक देनी चाहिए थी ता जो ये सारा कार्रवाई अगे ना बढ़ती। पर इस दे नाल ही मैं आप अगे फरियाद करता हाँ कि बच्चे का कोई भी कोई एडा वड्डा कसूर नहीं सी कोई एडा वड्डा कोई रिकॉर्ड नहीं कोई क्रिमिनल नहीं जिस तरह उन्होंने एक बहुत ही वड्डा क्रिमिनल बना के पेश किया गया जिस तरह साढ़े सारे परिवार की जो कि इमेज बहुत ही ज़्यादा टार्निश हुई है साड़ी खराब हुई है सोशल मीडिया में साड़ा बहुत ही साड़ी परिवार की बदनामी की गई है ये जो भी मसला सी इनू जे अगर मैच्योरिटी ना हैंडल किया जाता तो कोई एड्डी वड्डी गल नहीं सी होनी। मैं आप सब अगे फरियाद करता हाँ कि साढ़े परिवार ना साढ़े बच्चे ना जस्टिस किया जाए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीएम साहब डीजीपी साहब सीपी साहब डीसी साहब असी सब तो पहला सारा असी महमी परिवार आप सब का बहुत ही धन्यवाद करते हैं जो आप सारे शहर वास्ते सारे पंजाब वास्ते जो दिन रात एक करके सारा तुसी एडमिनिस्ट्रेशन इस बहुत ही भयंकर बीमारी लिए लड़ रहे हैं दिन रात एक करके तुसी सारे शहर वासियों की सारे देश वासियों की सेवा कर रहे हो। सरकार जो सीएम साहब डीएवी साहब जो कल जो वाकया साढ़े परिवार के बच्चे अमोल ना होया अमोल के राही जो भी घटना वापरी है असी सारा परिवार उसकी निखेधी करते हैं असी आप बहुत शर्मिंदा असी सॉरी फील करते हैं भी बच्चे को जो होया यह नहीं सी होना चाहिए बच्चे को गड्डी रोक देनी चाहिए थी ता जो ये सारा कार्रवाई अगे ना बढ़ती। पर इस दे नाल ही मैं आप अगे फरियाद करता हाँ कि बच्चे का कोई भी कोई एडा वड्डा कसूर नहीं सी कोई एडा वड्डा कोई रिकॉर्ड नहीं कोई क्रिमिनल नहीं जिस तरह उन्होंने एक बहुत ही वड्डा क्रिमिनल बना के पेश किया गया जिस तरह साढ़े सारे परिवार की जो कि इमेज बहुत ही ज़्यादा टार्निश हुई है साड़ी खराब हुई है सोशल मीडिया में साड़ा बहुत ही साड़ी परिवार की बदनामी की गई है ये जो भी मसला सी इनू जे अगर मैच्योरिटी ना हैंडल किया जाता तो कोई एड्डी वड्डी गल नहीं सी होनी। मैं आप सब अगे फरियाद करता हाँ कि साढ़े परिवार ना साढ़े बच्चे ना जस्टिस किया जाए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीएम साहब डीजीपी साहब सीपी साहब डीसी साहब असी सब तो पहला सारा असी महमी परिवार आप सब का बहुत ही धन्यवाद करते हैं जो आप सारे शहर वास्ते सारे पंजाब वास्ते जो दिन रात एक करके सारा तुसी एडमिनिस्ट्रेशन इस बहुत ही भयंकर बीमारी लिए लड़ रहे हैं दिन रात एक करके तुसी सारे शहर वासियों की सारे देश वासियों की सेवा कर रहे हो।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਡੀਏਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੱਲ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮੋਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल के पीडी न्यूज़ हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।